हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम क्या होती है, और फिर एंट्रोपी के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम वो क्या होती है। एंट्रोपी को एस से डिनोट करेंगे, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ये क्या चीज होती है। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज रिलेटेड टू रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। तो देखो अब एंट्रोपी अच्छे से समझ में आएगी, एंट्रोपी होती क्या है। मान लो ये कोई सॉलिड है, ठीक है, जैसे आइस मान लो। अभी मैं इसको हीट करूंगा, हीट एनर्जी दूंगा, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाटर में, ठीक है। इसको और हीट दूंगा, वाटर को भी और हीट दूंगा, तो फाइनली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, ठीक है, वाटर वेपर्स में, या गैस या स्टीम बोल सकते हो। तो मुझे ये बताओ, आइस, वाटर और वाटर वेपर्स, इन तीनों में जो मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस है या डिसऑर्डरनेस है वो किस केस में सबसे ज्यादा है। ऑब्वियसली गैस के केस में मॉलिक्यूल्स की मोशन की जो रैंडमनेस है ना, डिसऑर्डरनेस, वो सबसे ज्यादा, और फिर लिक्विड के केस में मतलब वाटर के केस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन की जो रैंडमनेस होगी या डिसऑर्डरनेस होगी वो गैस के केस से तो कम ही होगी, और फिर आओ सॉलिड के केस में, आइस के केस में, यहाँ पे जो आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स के जो मोशन की जो रैंडमनेस होगी, मोशन की जो रैंडमनेस होगी या डिसऑर्डरनेस जो होगी वो सबसे कम होगी। तो इसका मतलब जैसे मैं इस आइस को हीट करता जाऊंगा ना, ये आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर वाटर वेपर्स में, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम वो बढ़ेगा, ठीक है, एंट्रोपी विल इंक्रीज ऐसे, ठीक है। तो देखो वैसे तो जो एंट्रोपी है ना ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, मतलब हम ये नहीं बता सकते कि इस आइस की एंट्रोपी इतनी होगी या वाटर की एंट्रोपी इतनी होगी या वाटर वेपर्स की एंट्रोपी इतनी होगी, ठीक है, मतलब एंट्रोपी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। इट मीन्स ऑलवेज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड, हमेशा एंट्रोपी में चेंज डिफाइन होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बता सकता कि आइस की एंट्रोपी इतनी है, वाटर की एंट्रोपी इतनी है, वाटर वेपर्स की एंट्रोपी इतनी है, लेकिन आइस टू वाटर इंक्रीज इन एंट्रोपी ये मैं बता सकता हूं, वाटर टू वाटर वेपर्स इंक्रीज इन एंट्रोपी ये भी बता सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो, मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस है ये, ठीक है, इसको मैं हीट करूं, ठीक है, इसको मैं हीट करूं, मान लो ये आइस ही है ऐसा मान लो, ठीक है, इसको मैं अगर हीट करूं
और ऐसा मान लो कि ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अगर मैं इस आइस को हीट करूं तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और मान लो इस आइस को मैंने कितनी हीट दी, डेल्टा क्यू। और देखो यहाँ पे ये आइस वाटर में कन्वर्ट जरूर हुई है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, ये एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही मान रहा हूँ मैं। मतलब यहाँ पे आइस का जो टेम्परेचर है ना, वो चेंज नहीं हुआ। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब टेम्परेचर ये क्या रहा है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ेगी, आइस टू वाटर एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी ना। तो यहां से यहां तक जो इंक्रीज इन एंट्रोपी है डेल्टा एस, ये कैसे डिफाइन किया गया, डेल्टा क्यू जो कि हीट मैंने दी और डिवाइडेड बाय दैट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मतलब मैं किसी सब्सटेंस को हीट दे रहा हूं, ठीक है, मान लो डेल्टा क्यू हीट दी, मान लो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर उतना ही रहे टी, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, आइस वाटर, ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ेगी। तो जो इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आएगा ना डेल्टा एस, वो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई टी। तो यहां से यहां तक आइस टू वाटर इंक्रीज इन एंट्रोपी, ये क्या आ जाएगी, डेल्टा क्यू बाई टी, ठीक है। तो SI यूनिट क्या होगी, जूल पर कैलविन, ठीक है। तो यहां पे तो ये तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस है जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे, लेकिन जब मैं किसी बॉडी को हीट करूंगा तो क्या ऐसा जरूरी है कि उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे, उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल केस है व्हेन टेम्परेचर इज नॉट कॉन्स्टेंट, मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ना हो, जब मैं उसको हीट देता जाऊं उसका टेम्परेचर बढ़ता जाए, तो इंक्रीज इन एंट्रोपी वो कैसे निकालें। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डीएस, ये किसके बराबर आएगा, डी क्यू बाय में टी, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डीएस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू बाय में टी। टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम T1 to T2, ठीक है। तो डेल्टा एस इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, जब उस सिस्टम का टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हुआ है, वो क्या आ गया, इंटीग्रेशन डी क्यू बाय में टी, लोअर लिमिट टेम्परेचर की T1, अपर लिमिट T2, ठीक है। और अब देखो कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होना, तो जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स वो क्या रहता है, जीरो। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब इसको समझें, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस मान लो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस है ऐसा मान लो, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस है ऐसा मान लो, यहां पे इस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी, ठीक है, सराउंडिंग का, तो गैस का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, टी। तो देखो यहां पे मान लो इस जो गैस है, इस गैस का वॉल्यूम है V1, ठीक है, और एन मोल गैस है, एन मोल गैस, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी, गैस का टेम्परेचर टी। अब मैं क्या करूंगा, इस पिस्टन पे अपने हाथ से दबाव कम करता जाऊंगा, ठीक है, मान लो यहां पे दो हाथ लगे हुए हैं, तो
तो अब मैं अपने हाथ से इस पिस्टन पे दबाव कम करता जाऊंगा, जिससे ये पिस्टन ऊपर की तरफ होती जाएगी, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी। मान लो यहाँ पे पहुंच गई, मतलब गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी। ठीक है, गैस का टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा टी। मान लो यहाँ पे वॉल्यूम हो गया V2, V2 ऑब्वियसली V1 से ज़्यादा है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो मेरा सिस्टम होता है, मतलब जो गैस होती है, वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, ये मेरे को पता है। तो इस ए इनिशियल स्टेट से इस बी फाइनल स्टेट तक इस गैस ने सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी डेल्टा क्यू। सही बात है। तो अब देखो डेल्टा क्यू ये किसके बराबर आएगा, फ्रॉम फॉर्मूला एन आर टी लॉग V2/V1, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दिस गैस फ्रॉम सराउंडिंग, फ्रॉम दिस ए स्टेट टू दिस बी स्टेट, इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में इतनी तो आएगी। ठीक है, और अब ये देखो कि हीट सराउंडिंग से इस सिस्टम में फ्लो की है, और मान लो ये जो पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में यहाँ पे क्या क्या चीज़ शामिल है, ये गैस मतलब सिस्टम प्लस इस सिस्टम के चारों ओर जो सराउंडिंग है। ठीक है, मान लो यूनिवर्स में यहाँ पे यही है और गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब ये गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड होगी तो ऑब्वियसली ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस है वो बढ़ जाएगी, डिसऑर्डरनेस, मतलब यहाँ पे गैस की एंट्रोपी बढ़ेगी, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ गैस डेल्टा एस, ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा क्यू बाय टी के बराबर, क्योंकि गैस का टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट रहेगा टी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी, ये आ जाएगा इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बोल दो या गैस इन दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब देखो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है गैस ने, तो जो रिमेनिंग पार्ट है सिस्टम के अलावा, जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग की एंट्रोपी घटी होगी, क्योंकि सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है गैस ने, और सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑब्वियसली टी ही रहेगा। तो डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग या चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ये तो क्या था, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ गैस इन दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग की एंट्रोपी घटेगी यहां पे, क्योंकि सराउंडिंग से इस गैस में हीट फ्लो हुई है ना, मतलब इस गैस ने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की है ना, तो सराउंडिंग की तो एंट्रोपी घटेगी। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग ये किसके बराबर आएगा, माइनस डेल्टा क्यू बाय टी। ठीक है, तो अब देखो इस यूनिवर्स में यहां पे क्या क्या शामिल है, ये गैस मतलब सिस्टम और प्लस सराउंडिंग अराउंड दिस सिस्टम, सिस्टम मतलब गैस की जो एंट्रोपी है उसमें कितना इंक्रीज आया, डेल्टा क्यू बाय टी, और जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग वो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, क्योंकि सराउंडिंग की एंट्रोपी घटेगी, क्योंकि गैस ने हीट एब्जॉर्ब किया ना सराउंडिंग से। तो इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम या गैस डेल्टा क्यू बाय टी, डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग वो भी डेल्टा क्यू बाय टी हो जाएगा।
ये नेगेटिव साइन तो क्या दिखा रहा है, सराउंडिंग की एंट्रोपी घटेगी, ठीक है, तो डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, वो माइनस सॉरी प्लस डेल्टा क्यू बाई टी ही आ जाएगा। माइनस साइन तो ये दिखा रहा है कि सराउंडिंग की एंट्रोपी घटेगी, ये नेगेटिव आएगा ना, ठीक है। तो इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में देखो, आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यहां पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में मतलब ये गैस या सिस्टम की एंट्रोपी में इंक्रीज कितना आया, डेल्टा क्यू बाई टी। और इसी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो सराउंडिंग की एंट्रोपी में डिक्रीज कितना आया, डेल्टा क्यू बाई टी। तो इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस यूनिवर्स वो क्या जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो इस सिस्टम या गैस की एंट्रोपी में जितना इंक्रीज आया, सराउंडिंग के एंट्रोपी में उतना ही डिक्रीज भी तो आ गया। तो ये जो यूनिवर्स है जिसमें ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों शामिल हैं, उस यूनिवर्स की एंट्रोपी में जो चेंज है वो तो जीरो आएगा, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। यूनिवर्स एंट्रोपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन मान ली, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। लेकिन ये बताओ क्या इन रियलिटी कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, नहीं होती। इन रियलिटी देर इज नो रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब जो मेरा यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी कॉन्स्टेंट तो रहेगी नहीं, और जो इस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब देखो कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल तो होती नहीं, रिवर्सिबल तो एक आइडियल प्रोसेस है। ऑल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इस नेचर में, ठीक है। तो इसका मतलब जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, इनफैक्ट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। और अब देखो एक मेन चीज, मान लो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, मान लो इस सब्सटेंस का टेम्परेचर टी रहेगा कॉन्स्टेंट, ऐसा मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इसको हीट एनर्जी देता हूं, हीट देता हूं, हीट गिवन टू दिस सब्सटेंस, तो ये हीट देने से मतलब जो ये सब्सटेंस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, डेल्टा क्यू हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो इस सब्सटेंस की एंट्रोपी बढ़ेगी, इंक्रीज इन एंट्रोपी वो क्या आएगा, डेल्टा क्यू बाय टी, ठीक है, इंक्रीज इन एंट्रोपी। यहां पे यही चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस सब्सटेंस, मतलब डेल्टा क्यू बाय टी ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो जब कोई सब्सटेंस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो उस सब्सटेंस की एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ेगी। अब क्या दूसरी क्या चीज है, अगर मैं किसी सब्सटेंस से हीट एनर्जी निकाल लूंगा, डेल्टा क्यू हीट निकाल ली मैंने इसे सब्सटेंस से, और मान लो इस सब्सटेंस का टेम्परेचर टी ही रहेगा कॉन्स्टेंट, भले ही मैं इसमें से हीट निकाल लूं, ठीक है,
जैसे कि होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हो, उसमें से मैं हीट निकाल लूँ तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर तो उतना ही रहता है। तो यहाँ पे इस सब्सटेंस ने हीट रिजेक्ट की है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी, ठीक है। तो जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस सब्सटेंस आएगा डेल्टा एस, वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा क्यू बाई टी, नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव आया तो इसका मतलब इस सब्सटेंस की एंट्रोपी घटेगी, ठीक है। और ये ध्यान रहे, यूनिवर्स की बात की जाए तो पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है ना वो डे बाय डे बढ़ ही रही है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होती नहीं इन रियलिटी, वो तो एक आइडियल प्रोसेस थे, सभी प्रोसेस इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, इनफैक्ट वो डे बाय डे बढ़ रही है, ठीक है। अब हम एंट्रोपी के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का आज का हमारा लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इनफैक्ट एक नई यूनिट काफी बड़ी है, वेव्स, ठीक है। तो अब देखो एंट्रोपी के ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास 100 ग्राम वाटर है, ठीक है। और जो वाटर की स्पेसिफिक हीट गिवन है स्मॉल एस, ये कितनी गिवन है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, इतनी होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो यहां पे जो 100 ग्राम वाटर है ना मेरे पास, इसका जो टेम्परेचर है इनिशियली 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे जो 100 ग्राम वाटर की जो एंट्रोपी होगी ये मान लो S1 होगी। अभी मैं इस 100 ग्राम वाटर को हीट करना शुरू करूँगा, इसको हीट एनर्जी दूंगा और देता रहूँगा, ठीक है, हीट एनर्जी। तो ऑब्वियसली इस वाटर का, 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑब्वियसली विल इंक्रीज, ठीक है। इसको मैं हीट एनर्जी देता रहूंगा 100 ग्राम वाटर को, इनिशियली इसका 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और जब 27 डिग्री सेल्सियस है तो मान लो एंट्रोपी S1, ठीक है। तो इसको मैं हीट एनर्जी देता रहूंगा तो इस 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हीट एनर्जी देता गया, मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता टी हो गया, ठीक है। और यहां पे इसकी जो एंट्रोपी है 100 ग्राम वाटर की, ये मान लो एस है, ठीक है। और हीट एनर्जी दी थोड़ी सी, तो इस 100 ग्राम वाटर का अब टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ गया, टी से बढ़कर कितना हो गया, T+dT, ठीक है। और यहां से यहां तक इंक्रीज इन एंट्रोपी वो वेरी स्मॉल आएगा डीएस, तो यहां पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, S+dS। तो यहां से यहां तक जो मैंने हीट एनर्जी दी होगी ऑब्वियसली वेरी स्मॉल होगी डी क्यू, ठीक है। और हीट एनर्जी देता जाऊंगा टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। मान लो फाइनली इस 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हो गया बढ़ता बढ़ता 87 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। तो यहां से यहां तक मैं लगातार इस 100 ग्राम वाटर को हीट एनर्जी देता आया हूं, जिससे वाटर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता गया है। जैसे ही 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब इस हीट एनर्जी को देना बेशक बंद कर दो, तो अब मान लो 87 डिग्री सेल्सियस पे इस 100 ग्राम वाटर की जो एंट्रोपी होगी वो मान लो होगी S2। तो यहां से यहां तक ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ी होगी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वो बढ़ा होगा, बिल्कुल एंट्रोपी लगातार बढ़ती गई होगी। तो यहां से यहां तक मतलब जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता बढ़ता 87 डिग्री सेल्सियस होया, क्योंकि मैं इसको लगातार हीट एनर्जी देता रहा हूं ना, तो इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर डेल्टा एस या S2 - S1 ये कितना आएगा? इसके लिए चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? 66.6 जूल पर कैल्विन। बी ऑप्शन में 76.6 जूल पर कैल्विन। सी ऑप्शन में 86.6 जूल पर कैल्विन। डी ऑप्शन में 96.6 जूल पर कैल्विन। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, इस 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर टी से बढ़कर T+dT हुआ, क्योंकि मैंने इतने में इस 100 ग्राम वाटर को थोड़ी सी हीट दी होगी DQ, तभी तो टेम्परेचर में वेरी स्मॉल इंक्रीज आया है DT। ठीक है, और यहां पे 100 ग्राम वाटर का जो मास है उसको केजी में कन्वर्ट करो, 0.1 kg आ जाएगा। 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, और स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी पर कैल्विन, इतनी तो होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट। तो ये DQ ये कितना आएगा? MSDT, M0.1 S 4200 × में DT, सही बात है। और अब देखो, यहां से यहां तक क्या मैं ऐसा नहीं मान सकता थोड़ी देर के लिए कि वाटर का टेम्परेचर T ही रहेगा, क्योंकि DT वेरी स्मॉल है, DT टेंस टू जीरो, वेरी स्मॉल। तो यहां से यहां तक जब इस 100 ग्राम वाटर को इतनी हीट एनर्जी मिली होगी, ये भी वेरी स्मॉल होगी क्योंकि डीटी वेरी स्मॉल है ना, तो यहां से यहां तक क्या मैं ऐसा नहीं मान सकता कि 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर टी ही रहेगा? हाँ, थोड़ा सा बढ़ेगा, टी से T+dT होगा, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान सकता हूं ना, टी ही रहेगा। तो यहां से यहां तक इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ दिस 100 ग्राम वाटर S+dS - S मतलब DS, वो क्या आ जाएगा? DQ बाय में टी। ठीक है, तो 0.1 × में 4200, तो ये कितना हो जाएगा? यहीं से 420 हो जाएगा ना, ये 420 DT, तो ये कितना हो जाएगा? 420 DT बाय टी। ठीक है, और टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, तो इनिशियल टेम्परेचर ये कितना होगा? 300 केल्विन हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर T2 ये कितना हो जाएगा? 360 केल्विन। ठीक है, तो यहां से यहां तक इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ दिस 100 ग्राम वाटर वो कैसे आए? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन DS इज इक्वल टू डेल्टा S मतलब S2 - S1 इज इक्वल टू 420 इंटीग्रेशन DT बाय टी। टेम्परेचर लोअर लिमिट 300 केल्विन, अपर लिमिट 360 केल्विन, तो डेल्टा S यहां से यहां तक इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ 100 ग्राम वाटर ये कितना आ जाएगा? 420 इंटीग्रेशन सोल्व कर लो, 1/T का इंटीग्रेशन लॉग टी, लोअर लिमिट 300 अपर लिमिट 360, तो ये कितना आ गया? 420 लॉग 360 माइनस लॉग 300, तो लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये क्या हो जाएगा? लॉग 360 बाय
300 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आएगा यहां पे, ये आएगा 76.6। ऑब्वियसली जूल पर कैल्विन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी। तो यहां से यहां तक मतलब जब इस 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, 87 डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ दिस 100 ग्राम वाटर विल बी डेल्टा एस एंड दैट विल बी इक्वल टू 76.6 जूल पर कैल्विन। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, मेरे पास 1 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। वन के जी आइस है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, वन के जी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये 80 कैलोरी पर ग्राम की बना है, इतनी होती है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस आइस को हीट एनर्जी दूंगा डेल्टा क्यू, हीट करना शुरू करूंगा। मान लो डेल्टा क्यू हीट एनर्जी दी और ये 1 kg आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होगी, 1 kg वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, ठीक है। तो यहां से यहां तक ऑब्वियसली रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बड़ी होगी, मतलब एंट्रोपी बड़ी होगी, तो इंक्रीज इन एंट्रोपी ये बताओ, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम या ऑफ दिस आइस, चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 193 कैलोरी पर कैल्विन, बी ऑप्शन में 293 कैलोरी पर कैल्विन, सी ऑप्शन में 393 कैलोरी पर कैलविन, डी ऑप्शन में 493 कैलोरी पर कैलविन। ऑब्वियसली इन चारों में से एक ही करेक्ट होगा कोई। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसको कैलविन में कन्वर्ट करो, 273 कैलविन। टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट ही रहा, यहां पे भी 273 कैलविन, यहां पे भी 273 कैलविन, फेज चेंज हुआ ना, आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, हाँ एंट्रोपी जरूर बढ़ेगी, रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस जरूर बढ़ेगी, हाँ वही इंक्रीज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करना, चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मास कितना है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इतनी होती है, तो इससे 1 kg आइस को मुझे कितनी हीट एनर्जी देनी होगी जिससे ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, डेल्टा क्यू ये किसके बराबर आएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम इंटू में आइस का कितना मास ग्राम में, 1000, ठीक है, सही बात है ना। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये कैलोरी में आ जाएगा, 8 के बाद कितनी जीरो आएंगी, 4 कैलरी। तो यहां से यहां तक इंक्रीज इन एंट्रोपी डेल्टा एस वो क्या आएगा, डेल्टा क्यू बाय मेटी, टेम्परेचर कितना रहता है 273 कैलविन, तो डायरेक्टली ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं ना, डेल्टा क्यू 80,000 कैलरी, टेम्परेचर 273 कैलविन, तो ये कितना आ जाएगा, 293 कैलोरी पर कैलविन, इतना आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। तो यहां से यहां तक इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम या ऑफ दिस आइस
ये कितनी होगी, 293 कैलोरी पर केल्विन, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नए चैप्टर मतलब एक नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे, काफी लेंथी यूनिट है वो, वेव्स। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।